एक महान आदमी ने कहा था कि वन डे कंप्यूटर्स विल फिट ऑन अ डेस्क, और उन महान आदमी को आर्थर सी क्लार्क के नाम से जाना जाता है। ये एक साइंस फिक्शन आर्टिस्ट और फ्यूचरिस्ट थे। उनका कहना था कि ईयर 2020 तक ह्यूमंस अपनी जॉब घर बैठे बैठे यानी कंप्यूटर से कर पाएंगे, और ये आज वर्क फ्रॉम होम के जरिए सच हो गया है। आज आयरन मैन को कौन नहीं जानता है। आयरन मैन मार्वल के वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर में से एक है। सो अगर आपको आयरन मैन के बारे में पता है तो आपको जार्विस के बारे में भी पता ही होगा। बट क्या ये जार्विस रियल में एग्जिस्ट करता है? तो इसका जवाब है हाँ। अब आप में से काफी लोग कहेंगे कि जार्विस कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, बिकॉज वो तो एक फिक्शनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो चलिए जानते हैं जार्विस के बारे में, बट उससे पहले हमें कंप्यूटर ब्रेन के बारे में जानना होगा। कंप्यूटर ब्रेन ये टर्म सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। कंप्यूटर ब्रेन कंप्यूटर की वो कैपेसिटी है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर सेम ह्यूमंस की तरह वर्क करने लगता है, वही टर्मिनेटर मूवी की तरह। और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ही बताना चाहूंगा कि कुछ टाइम पहले एक ह्यूमनॉइड क्रिएट किया गया जिसके बारे में आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। कंप्यूटर ब्रेन दो टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड सेकंड है ML। और यहाँ ML मिलीलीटर नहीं है, यहाँ ML का मतलब मशीन लर्निंग से है। तो आइए जल्दी से इन दोनों टर्म्स को भी हम डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आपको ह्यूमनॉइड के बारे में जल्दी से बता सकें। AI कंप्यूटर ब्रेन का वो पार्ट है जिससे कंप्यूटर कुछ भी मेमोराइज करके उसे अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है, और फिर समय आने पर कंप्यूटर को ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने में यूज आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है गूगल लेंस। गूगल लेंस में जब हम कुछ भी सर्च करते हैं या कोई भी इमेज सर्च करते हैं तो वो AI की हेल्प से उसे डिटेक्ट करके हमें रिजल्ट शो करता है। AI आज हर जगह यूज हो रहा है, फोन कैमरास में, मेडिकल फील्ड में और ट्रांसपोर्टेशन में भी, जो कि आज ह्यूमंस के वर्क को कम करने में काफी हेल्प कर रहा है। अब बात करते हैं ML के बारे में। ML को हम मिलीमीटर के नाम से जानते हैं, ML को हम मशीन लर्निंग के नाम से जानते हैं। मशीन लर्निंग कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर चीजें लर्न करता है। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी धीरे धीरे अपने मॉम डैड को देखकर कई चीजें सीखता है, वैसे ही कंप्यूटर को भी हम मशीन लर्निंग की हेल्प से काफी चीजें सिखाते हैं, या कहूँ उसको ह्यूमंस की तरह रिएक्ट करना सिखाते हैं। इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर बनता है कंप्यूटर ब्रेन, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क कर सकता है। बट वेट अ मिनट, अब आप में से काफी लोग कहेंगे कि इसका क्या प्रूफ है, क्योंकि हम तो ह्यूमंस हैं और हमने मैथ्स पढ़ी है तो हमें प्रूफ चाहिए ही होता है। सो आपने फेसबुक का नाम तो सुना ही होगा। एक बार फेसबुक कंपनी ने दो रोबोट्स बनाए थे जिनकी प्रोग्रामिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, बट पता नहीं कैसे वो दोनों रोबोट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लग गए थे, जिस वजह से उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। और ऐसा ही ईयर 2011 में भी हुआ था, जब गूगल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करके गूगल ब्रेन को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंप्यूटर ब्रेन था और जो कि एकदम ह्यूमंस की तरह सोच भी सकता था। तो आइए अब मैं मेन सवाल के ऊपर आता हूं, जिसके जवाब का आपको कब से इंतजार था, कि क्या ह्यूमनॉइड सच में इंसान की बराबरी कर सकते हैं। तो जानी मानी टेक्नोलॉजिकल कंपनी गूगल और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2019 में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमनॉइड को इन्वेंट किया, जिसमें गूगल ब्रेन डाला गया था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये ह्यूमनॉइड चल रहा था, बोल रहा था और सोच रहा था बिल्कुल एक इंसान की तरह। बट कुछ ही मिनटों में ये ब्रेन हाई पावर कंजम्पशन की वजह से बंद हो गया, बट आज भी ये ह्यूमनॉइड गूगल प्लेक्स के म्यूजियम में रखा गया है। और गूगल ब्रेन कॉरपोरेशन ने यह भी अनाउंस किया है कि वो जल्द ही
ऐसे ह्यूमनॉइड्स दोबारा बनाने की कोशिश करेगी। एट लास्ट मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आज कंप्यूटर ह्यूमन लाइफ की एक डेली नीड बन चुका है। आज एजुकेशन, मीटिंग, सब चीज कंप्यूटर से ही की जा रही है, जिसकी वजह से आज मिस्टर आर्थर की 1971 में की गई प्रेडिक्शन सच साबित हो गई है। आज कंप्यूटर हमारी डेली वांट के बजाय हमारी डेली नीड बन गया है। आज कंप्यूटर ने हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस बना ली है कि आज कंप्यूटर के बिना लाइफ इम्पॉसिबल सी लगती है। आज के टाइम में कंप्यूटर्स प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं और तो और लिख भी सकते हैं। बट इन सब चीजों की फिक्र कौन करता है? हम जिस चीज की फिक्र करते हैं वो तो है हमारा फ्यूचर। और क्या हो अगर कंप्यूटर एक दिन हमारा फ्यूचर भी बताने लगे? कंप्यूटर आज हर चीज प्रेडिक्ट कर सकता है, जैसे वेदर रिपोर्ट, नेचुरल डिजास्टर्स की प्रेडिक्शन एंड सो ऑन। तो इस बीच सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कंप्यूटर हमारा फ्यूचर भी बता सकता है, और क्या हम आर्टिफिशियल गॉड को क्रिएट कर पाएंगे? इन सब सवालों का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। जाने से पहले मैं आपको एक चिप के बारे में बताना चाहूंगा जो टेस्ला कंपनी ने बनाई है। इस चिप का नाम है न्यूरालिंक। ये एक ऐसी चिप है जो कि ह्यूमन ब्रेन में इंसर्ट की जाती है, जिसे ह्यूमन ब्रेन भी कंप्यूटर की स्पीड से कुछ भी मेमोराइज कर सकते हैं। और इसके फाउंडर ऑब्वियसली इलॉन मस्क हैं। इलॉन मस्क बिलीव करते हैं कि इस चिप की हेल्प से वो पैरालिसिस जैसे बीमारियों का भी इलाज ढूंढ निकालेंगे। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या फ्यूचर में कंप्यूटर ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, या ह्यूमनॉइड एक नई एरा की शुरुआत करेंगे, या कंप्यूटर गॉड की जगह ले लेंगे? ये सब तो हमें नहीं पता, बट आपको क्या लगता है कंप्यूटर ब्रेन के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।